मैं हूँ डॉक्टर शिखा मुखीजा। मैं इंदिरा आईवीएफ की गोरखपुर ब्रांच में एज सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो हम अपने बहुत से पेशेंट से सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लेट एज में शादी होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। फीमेल्स बहुत करियर ओरिएंटेड हो गई हैं और अपना एजुकेशन और करियर पूरी तरह से सेट होने के बाद ही वो लोग शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि शादी होती है 38, 39, 40 इयर्स की एज में, तब उन लोगों के मन में, कपल के मन में सवाल होता है कि क्या अब हम लोग प्रेग्नेंट हो पाएंगे कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर स्त्री माँ बन सकती है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस एज में नेचुरली प्रेग्नेंट होने में कुछ दिक्कत जरूर आ सकती है। तो ऐसे में मेरी ऐसा होता इसलिए है क्योंकि पोस्ट 35 इयर्स, जैसे 35 की एज के बाद जो महिलाओं के एग्स की क्वांटिटी मतलब नंबर और क्वालिटी यानी गुणवत्ता कम हो जाती है। गुणवत्ता से मेरा मतलब है कि जो एग्स का जेनेटिक कंटेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और एट 40 इयर्स ऑफ एज, मोर देन 40 इयर्स में 40-50% ऑफ द एग्स मे बी एबनॉर्मल। तो ऐसे में डेफिनेटली इन लोगों को प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होती है। तो लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं और आईवीएफ और इक्सी की मदद से ये महिलाएं भी मां बन सकती हैं। मेरी बस इन लोगों के लिए एक ही राय है कि शादी के बाद अगर आपको 6 महीने हो गए हैं, आप लोग साथ में रह रहे हैं, किसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाएं और अपनी जरूरी जांचें कराएं। जांचों में अगर आपके कुछ एग्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छे एग्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो है हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम लो डोज के इंजेक्शंस लगा के 2-3 महीने हम लोग महिला को इंजेक्शंस लगाते हैं और उनके हर महीने एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उन एग्स से हम हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बनाते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि इस एज में काफी सारे एग्स जेनेटिकली एबनॉर्मल हो सकते हैं, तो इसलिए जो हम एम्ब्रियो बनाते हैं उसका हम एम्ब्रियो बायोप्सी कर सकते हैं, मतलब पीजीटीए यानी जेनेटिक जांच कर सकते हैं और उसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि एग नॉर्मल है या नहीं, और सिर्फ जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगेन इस टेक्निक के द्वारा जो ये लेडीज हैं जिनकी एज ज्यादा है वो अपने ही एग से मां बन सकती है। कभी कभी ऐसा होता है मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज में कि एग्स बिल्कुल है ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। इन दैट सिचुएशन ये महिलाएं डोनर एग टेक्निक के द्वारा मां बन सकती है, मतलब किसी और महिला से एग्स लिए जा सकते हैं, हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियो बनता है वो जो हमारी पेशेंट है उसके यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वो इस तरीके से ये 40 प्लस फीमेल्स भी मां बन सकती हैं। तो मैं यही कहूंगी, घबराए नहीं, जब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, आपकी एज ज्यादा है, तो तुरंत फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।